एनडीएमसी के स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है और इस लैब में स्कूली बच्चे अपने हुनर को दिखाते हुए नजर आएंगे, वो हुनर जो उन्हें साइंटिस्ट बनने की तरफ आगे बढ़ाएगा। और तस्वीर आप देखिए, इस लैब की शुरुआत में ही काफ़ी सुंदर यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं और जो तमाम बातें जुड़ी होती हैं एक लैब से उसका ख्याल यहाँ पर रखा गया है। तो जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं ये इसका एंट्री है और इसको भारत सरकार की तरफ से शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है अटल टिंकरिंग लैब। तो इस लैब में क्या कुछ खास है, आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और बताते हैं। टिंकरिंग, तो हम आ गए हैं अटल टिंकरिंग लैब में। टिंकरिंग ही क्यों, ये जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर तमाम जानकार मौजूद है और बच्चों ने जो कारनामे किए हैं और जो यहाँ पे तमाम उपकरण बनाए हैं उनकी एक झलक तो हम दिखाएंगे, लेकिन टिंकरिंग ही क्यों, इस लैब का नाम कुछ और भी हो सकता था। टिंकरिंग का मतलब है टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, मतलब एक आइडिया से कुछ बना देना। मान लीजिए मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ और मेरे को जाने में तकलीफ़ होती है, ऑटो वाले से बार बार बार्गेन करना पड़ता है, तो मेरे को आइडिया आया, मैंने एक ऐप बना दी ओला करके। मेरे को कांजीवरम की साड़ी चाहिए, मेरे को तमिलनाडु से कुछ सामान मंगाना है, बैंगलोर से सामान मंगाना है, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो मैंने फ्लिपकार्ट जैसा एक ई कॉमर्स का पोर्टल बना दिया। तो ये टिंकरिंग का पूरा आइडिया है कि इस तरीके की चीज़ें बच्चे बनाएं, इस तरीके के आइडियाज़ पर काम करें जिससे हमारे राज्यों को और पूरे देश को उस तरक्की का फ़ायदा मिले, लाखों लोगों को उससे रोज़गार मिले। क्या बनाया है बच्चों ने ये हम दिखाते हैं। ये जो उपकरण है इसका नाम है वेदर स्टेशन और इसमें जो तापमान है कमरे का फिलहाल, या फिर अगर आप बाहर इस उपकरण को लेकर जाएंगे तो ये वहाँ आपको तापमान बताएगा और साथ ही साथ कितनी ह्यूमिडिटी है। अक्सर ये होता है कि आप अपने फ़ोन में चेक करते हैं, लेकिन एक पावर बैंक और कुछ वायर और साधारण सी इस तकनीक की मदद से एक मशीन यहाँ पर बनाई गई है। और साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेज़र फेंस यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है, इसमें भी पावर बैंक की ज़रूरत होती है। ये लेज़र फेंस क्या है सर? अगर आप देखेंगे, जैसे कि हमने ये आइडिया लिया था, हमारे देश का बॉर्डर है, हमारे देश के बॉर्डर में क्या है कि इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसके लिए हमारे को बहुत एक आर्मी पूरी खड़ी रहनी पड़ती है, हमारे जवान फुल दिन रात उस पर लगे रहते हैं। क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ही कोई घुसने की कोशिश करता है तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर में जैसे ही कोई एंटर करता है तो ये साउंड करेगा। किस तरह से साउंड करेगा? हाँ, अच्छा, कैमरे की लाइट है यहाँ पे, क्योंकि अंधेरा होता है बॉर्डर में, लाइट नहीं होती है ज़्यादा, तो ये सेंसर है एक तरह का जिसकी अपनी तकनीक है और जैसे ही आप यहाँ पे हाथ रखेंगे वैसे ही ये काम करेगा। तो ये एक तरह का उपकरण है जो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तमाम यहाँ पर उपकरण अगर आप देखें, फॉर्मूला वन रेसिंग कार यहाँ पर बनाई गई है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। टेस्ला कॉइल हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। यहाँ पर जो पावर कनेक्शन है उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और तांबे की एक धातु यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये आप देखिए, बड़ा दिलचस्प है, अब तक आप इस बल्ब को अपने होल्डर पे लगाते हैं घर में, तब ये बटन चालू करने के बाद आपको रोशनी देता है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए, जैसे ही मैं इसके नज़दीक लेकर जा रहा हूँ ये चमक उठा है। ये किस खास तकनीक पर काम करता है? जी सर, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारे स्कूलों में 10वीं से लेके 12वीं क्लास तक के बीच में पढ़ाया जाता है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने एक ऐसा डिवाइस बनाने की कोशिश की है जिससे आपको तारों की ज़रूरत ना पड़े और आपके सारे इक्विपमेंट्स, आपके सारे लाइटिंग बिना तारों के ही एनर्जी ट्रांसमिट कर पाए, जिससे हमारा बहुत फ़ायदा भी होता है कि आपको तारे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जगह बचती है। तकनीक आ रही है, बिल्कुल। इस रूम को हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, पूरे रूम में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से इसे तैयार किया गया है। और ये काफ़ी अहम है, इन दिनों आप देखते होंगे कि आग लगने की बहुत सी घटनाएं होती हैं, स्मोक अलार्म जो है वो बड़ी बड़ी इमारतों में लगाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं स्मोक अलार्म, ये देखिए, यहाँ पर स्मोक अलार्म जो है
ये जो बीप की आवाज़ आप सुन रहे हैं ये दरअसल स्मोक के महसूस होने के बाद यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो इस तरह की कई तकनीक है जो बच्चों ने यहाँ पर तैयार की है, और सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक तकनीक ही नहीं, ये जो आप यहाँ पर तमाम औजार देख रहे हैं इनकी मदद से सामने देखेंगे आप, तो ये मैकेनिकल वर्क स्टेशन यहाँ पर बनाया गया है, कंप्यूटर लैब साथ ही साथ यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन दिलचस्प है यहाँ पर अगर आप देखें तो अटल टिंकरिंग लैब का यहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड लगाया गया, और इस पूरी लैब में अलग अलग जो जाने माने लोग हैं उनके विचार भी लिखे गए हैं। तो अपने आप में ये बेहद दिलचस्प है, और देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत सरकार इसमें कितना सफल हो पाती है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।